अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। उनके आवास पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि पेश की। रतनलाल कटारिया के पार्थिव शरीर के सीएम ने अंतिम दर्शन किए। बड़ा अपडेट आपको दे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, रतनलाल कटारिया के आवास पर उनके अंतिम दर्शन किए, उनके परिवार को तसल्ली भी दी मुख्यमंत्री ने। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पंचकुला स्थित रतनलाल कटारिया जी के आवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन किए मुख्यमंत्री ने। आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे मणिमाजरा में रतनलाल कटारिया जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। फिलहाल अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया और अपने पूरे सियासी करियर के दौरान तकरीबन 40 सालों तक उन्होंने आवाम की खिदमत की है। तो आज की बड़ी और अफसोसनाक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तमाम बड़े अपडेट दे रहे हैं आपको एक के बाद एक, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि आज सुबह जब ये खबर सामने आई तब कैसे गमजदा हो गए प्रदेश के लोग। सूबे के तमाम बड़े नेताओं का पंचकुला पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर देख रहे हैं। इस बीच तस्वीरें मुख्यमंत्री की भी आपके टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने पंचकुला स्थित रतनलाल कटारिया जी के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन किए, उनके परिवार को तसल्ली दी, उनका हौसला बढ़ाया। रतनलाल कटारिया ने अपने तकरीबन 40 साल के सियासी करियर के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आवाम की खिदमत करना कभी नहीं छोड़ा। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने इलाके के आवाम के लिए स्टैंड लेना, मजबूती से अपनी बात रखना, ये उनकी तमाम खसूसियात में से एक खूबी थी जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाती थी। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर उनका सियासी सफर किस तरह का था। 1989 में लोहरी सिंह को उन्होंने 20,629 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था विधानसभा में। ये उनके करियर के हवाले से कुछ अहम पहलू हैं जो आपको बता रहे। 1991 के चुनाव में उनका वोट शेयर सिर्फ 30% रहा और चुनाव हार गए थे। 1996 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अंबाला से चुनाव लड़ा रतनलाल कटारिया ने, और 2004 के लोकसभा चुनाव में कटारिया अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन 2009 में कुमारी सैलजा ने रतनलाल कटारिया को शिकस्त दे दी। और फिर 2014 में रतनलाल कटारिया ने एक बार फिर चुनाव मैदान में कदम रखा और इसी के साथ 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव में 2014 में रतनलाल कटारिया ने अपनी जीत दर्ज की। 2019 में अंबाला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा को उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख वोटों से शिकस्त दी और एक बड़ी जीत थी। इस बीच कुमारी सैलजा कांग्रेस लीडर ने एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि पेश की रतनलाल कटारिया जी को। उन्होंने लिखा, अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने संसद, प्रदेश और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए गरीब वर्ग और प्रदेश की भलाई के लिए कार्य किया। उनके निधन से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कुमारी सैलजा से ही अक्सर रतनलाल कटारिया का मुकाबला रहा सियासी तौर पर अंबाला में, और ये ट्वीट है आपके टीवी स्क्रीन पर। कुमारी सैलजा ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि पेश की है रतनलाल कटारिया जी। देखिए आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे,
रतनलाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाए गए, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व 12 लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। सरकार की ओर से हमने ये तय किया है कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी और 1 दिन का राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक, राजकीय शोक 1 दिन का ये होगा। हाफ मास्ट पर जो झंडे हैं वो दिन भर हाफ मास्ट पर रहेंगे, कोई सरकारी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनको हमने सरकार की ओर से भी आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। संगठन के तौर पर भी उनके साथ काम किया, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री संगठन था, लगातार 3 साल तक इकट्ठे काम करने का हमको अवसर मिला। तो बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को वो आहत नहीं करते थे, बातचीत में कभी ऐसा उनके मुख से शब्द नहीं निकला कि किसी कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज हुआ हो, कष्ट में हुआ हो, बल्कि बहुत वो हंसमुख चेहरा होने के नाते से लोगों को बहुत प्रसन्न चित रखते थे। कभी भी मौके पर किसी प्रकार की कोई घटना, कोई कहानी, कोई गीत, कोई फिल्मी गाने, यहाँ तक के पार्टी के सब्सटेंस को, कंटेंट को मिलाकर के फिल्मी गानों की तर्ज पर भी वो बहुत बार बहुत तरीके से अपनी बात को कहने का सलीका जो उनका था वो गानों के माध्यम से भी करते थे, कटाक्ष भी करते थे विपक्षी लोगों के ऊपर तो गानों के गीतों के माध्यम से करते थे। विपक्ष के लोग भी कई बार तो बड़े आनंद लेते थे उन चीज़ों का। तो एक हंसमुख चेहरा जिस प्रकार का था, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अद्भुत ये गुण उनका, ये हमको सबको पसंद आता था। गरीब परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, मेहनत उनकी आपने लगातार देखी सर, आरएसएस से भी लगातार 50 साल से जुड़े रहे, उनके सफर को किस प्रकार से देखिए? देखिए, मैं स्वयं लाडवा में जिस बस्ती में उनका परिवार, उनका पालन पोषण हुआ, जहां उनके पिताजी स्वयं जो बैठते थे, वो स्वयं भी बताते थे कि मैं एक मोची का बेटा हूँ और पिताजी उनका प्रत्यक्ष मोची का काम करते रहे हैं। तो ऐसे परिवार में से निकल कर के इस लेवल तक पहुंचना वास्तव में ही उनकी जो अद्भुत जो क्षमता थी काम करने की, तीक्ष्ण बुद्धि जो उनके व्यक्ति थे, वकालत भी उन्होंने की, तो उस प्रकार के एक तेज बुद्धि के व्यक्ति होने के नाते ही उनको ये अवसर भी मिला। मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध उनके थे, मोदी जी के साथ तो जब वो कभी बैठकों में बैठते थे और मान लो कहीं किसी बैठक में कटारिया जी की चर्चा नहीं हुई तो स्पेशली कहते हैं, आज कटारिया जी कहाँ हैं? कटारिया जी को बाकायदा वो कोई ना कोई बात उनके मुख से सुन करके ही उनको लगता था बैठक संपन्न हुई है। ऐसे हंसमुख चेहरे के नाते से उनका स्थान सब जगह एक अच्छा स्थान था, निश्चित रूप से सबको ही कष्ट जरूर हुआ। राजकीय शोक की बात की तो तमाम जो कार्यक्रम भी थे केंद्रीय मंत्री तो आपके भी थे, सभी रद्द होने गए? हाँ, मेरा कार्यक्रम जो था उसको मैंने रद्द किया है। देखिए, राजकीय शोक में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, सामान्य कार्यक्रम जो होते हैं कोई उसमें कठिनाई नहीं होती है, तो कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और जो ध्वज है वो हाफ मास्ट पर झुकना चाहिए। इस नाते से राजकीय शोक का पालन होगा।